गौड़ी महल्ला पंजवा। जाको तुम सपय समर्थ अंगा, ताको कछ नाही कालंगा। ए वाहिगुरु समर्थ परमेश्वर जी दे अंगा पाप पक्ष विच आप खड़े हो जाने हो, उनू कोई भी कालंगा हुंदा कलंक नहीं लग रहा, सारे कलंक उहदे मेट दिंदे हो, कोई कलंक नहीं लगता जिहदे अंग तुसीं करदे हो पक्ष करदे हो खड़े हो जाओ जिस पासे। माधव जा कहो है आस तुम्हारी, ताको कछ नाही संसारी रहाओ। ये माया दे तौ पति परमात्मा जी नूं तुहाडी आस है, उहनूं संसारी क्रिया कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं दिंदी, उहनूं संसारी क्रिया कोई दुख नहीं दिंदी। विश्राम दे के फरमाउंदे ने, जा कै हिरदय ठाकुर होए, ताको सहसा नाही कोए। ये ठाकुर मालक जी जी दे हिरदे तुसी प्रगट हो जाने हो, उन्हों कोई संसा नहीं रहिंदा है, एक बारी प्रगट करन ते जोर लाउणा पैंदा। हुण प्रगट हो गया तो संसा कहदा, मूहरे खड़ूगा कौन, हुण किसी ने नहीं खड़ना, क्योंकि वह सामने ही नहीं कोई आ सकता, उन्हें सारे नूं उड़ा देना, सभा सारे ने मन ही मोड़ दिंदा, होर ही पासे ला दिंदा। इस करके सतगुरु महाराज कहिंदे, जदों तू मेरे हिरदे च बैठा है तो मैनू कादी परवाह। जा कहो तुम दीनी प्रभ तीर, ताकै निकट न आवै पीर। ये वाहिगुरु जिहनूं तुसीं धीरजता दे दित्ती है, उहदे नेड़े जन्म मरण की पीर हुंदी, पीड़ा आउंदी होई नहीं, उहदे ते किरपा हो जांदी है। कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूरन देखाया। सतगुरु कथन करदे हो, पूरा गुरु मैं पाया है, जिस गुरु ने पार ब्रह्म नूं सारे किते पूर्ण रूप मैनूं दिखा दिता, क्या देख परमात्मा व्यापक है, तेरे अंदर तेरे बाहर है, सारिया विच बैठा है, सारिया पंछियां पशुओं च बैठा है, दरख्तों विच उहदी जोत विराजमान है, पूरी कायनात विच ब्रह्मांड विच। जदों मैं तैनू सारे किते देखिया तां मैं निरभाउ हो गया, निरवैर हो गया, मेरे अंदर कोई वैर ही नहीं किसे नाल, क्योंकि मैनू वो सारिआं विच आप ही दिखी जांदा, फिर मैं वैर किहदे नाल करां। जदों सारिआं च बैठा तां मैं किहदे नाल फिर वैर करां ते किहदे तों फिर डरां। आप डरो ना अवर डरावों, भय काहू कहो देत नै नै भय मान त्यान।